हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक चैप्टर की समरी को, जिसका नाम है द अर्थ और जिसके राइटर हैं H.E. Bates। फ्रेंड्स, ये बिहार बोर्ड 100 मार्क्स इंग्लिश के सिलेबस में दिया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगभग हर बार इसकी समरी को पूछा जाता है, तो इस वीडियो में मैंने इस समरी को, द बेस्ट समरी है ये कह सकते हैं आप, तो उसको एक्सप्लेन किया और साथ में इसमें जितने भी वर्ड मीनिंग जो हार्ड वर्ड्स हैं उनके इस वीडियो के लास्ट में मैंने हिंदी प्रोनाउंसिएशन और उसके हिंदी मीनिंग के साथ दिया। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। और हाँ, इससे पहले कि मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पर आपको मिलता है CBSE के क्लासेज 8, 9, 10, 11 और 12 और साथ में बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट दैट इज 11th एंड 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन, और साथ में आपको गुलमोहर रीडर पार्ट 7 और 8 के हर चैप्टर, हर पोएम के हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी मिलते हैं। तो यदि आप इनमें से किसी भी क्लासेस में पढ़ते या पढ़ाते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रेस कर दें बेल आइकन को, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं समरी को। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर द अर्थ की समरी, डिटेल समरी। द अर्थ इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये मैं इस प्रोज सेक्शन का जो भी पोएम पढ़ाऊँगा ना, तो उसमें जैसे मैं पोएट्री में 2 लाइन, फर्स्ट 2 लाइन्स कॉमन देता था, वैसा इसमें भी रहेगा। उसमें होता था ब्यूटीफुल पोएम, इसमें द अर्थ इज, या जो भी ये नेम दे देंगे, इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। उसके बाद इट हैज़ बीन, उसमें था पोएट्री सेक्शन में हम लिखते थे कंपोज बाय, यहाँ लिखेंगे इट हैज़ बीन रिटन बाय, जो भी राइटर का नाम है H.E. Bates। 1905 से 1974, यानी 1905 में इनका जन्म हुआ, 1974 में, ये ब्रैकेट में मैंने दिया है, इसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है ये आपको। हाँ, लेकिन यदि आप ऑब्जेक्टिव्स में 100% मार्क्स लाना चाहते हैं तो ईच एंड एवरी पॉइंट आपको याद करना होगा। इसी प्रकार ही वॉज बॉर्न एट नॉर्थहैम्पटन इन सेंट्रल इंग्लैंड, ऐसा भी पूछा जाता है वो कहाँ के थे। तो यदि ऑब्जेक्टिव की 100% तैयारी करनी है तो आप इस क्वेश्चन को भी याद कर सकते हैं कि इंग्लैंड में हुआ था, नॉर्थहैम्पटन याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला है जिसको ब्रैकेट के अंदर मैंने दिया है, इसको भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या? क्योंकि ये यूनिक बात है इनके बारे में। हिज फर्स्ट नॉवल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज 21, यानी जब वो 21 वर्ष के थे, केवल 21 लिखा हुआ, मानी 21 ईयर्स, जब वो केवल 21 वर्ष के थे तो उनका फर्स्ट नॉवल आ गया था। जबकि 21 वर्ष में हम सब जानते हैं कि जनरली लोग ग्रेजुएशन वगैरह में ही रहते हैं, लेकिन उसी समय नॉवल आ जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो बहुत मज़ेदार होने वाली है कहानी। यहाँ से कहानी है, द प्रेजेंट स्टोरी, यानी वर्तमान, यानी जिसको हम पढ़ रहे हैं, स्टोरी इज़ अबाउट अ फार्मर, यह एक किसान के बारे में, पीजेंट के बारे में, फार्मर के बारे में है। हिज नेम वाज जॉनसन, नेम याद रखना आपको आसान होगा, जॉनसन, जॉनसन मीन्स जॉनसन बेबी पाउडर, नहीं हो तो याद कर लीजिए। ही वॉज अ टेनेंट फार्मर, है ना, वह एक बटाईदार किसान था, है ना, ये एक बता दें। जैसे टेनेंट फार्मर का आपको ज़रूरत यदि पड़े वर्ड मीनिंग्स का, तो इस वीडियो के लास्ट में आपको सारे वर्ड मीनिंग, जो भी हार्ड वर्ड्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ उसका लिखा हुआ होगा। ही हैड अ वाइफ एंड एन अफेक्शनेट सन, तो किसान को और कोई नहीं, बहुत छोटा परिवार था, एक पत्नी थी और एक बस प्यारा सा बेटा था, अफेक्शनेट। हिज सन्स नेम वॉज बेंजी, और बेटे का नाम था बेंजी, उसका नाम जॉनसन था, वो तो बेबी नहीं था लेकिन ये इसके बेबी का नाम जॉनसन था। ही वॉज मेंटली अंडर डेवलप्ड, एक्चुअली वह जो है वो मानसिक रूप से अंडर डेवलप्ड था। अंडर डेवलप्ड का मतलब होता है मानसिक रूप से अल्प विकसित, जैसे होता है ना, आपको देखने में हो जाएगा 18-20 साल का, बट उसकी 7-8 साल जैसे बच्चों वाली हरकत करता है, उसी को मेंटली अंडर डेवलप्ड कहेंगे, है ना, बकलोल टाइप, जिसको लोकल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में यदि बोले तो बकलोल टाइप का। वन डे, एक दिन जॉनसन वेंट टू ए डॉक्टर, एक दिन वो डॉक्टर के पास जॉनसन गया फॉर कंसल्टेशन, परामर्श के लिए, कि भाई ऐसा बच्चा है तो इसको कैसे, मंदबुद्धि जैसे नहीं कहते हैं वैसे, मंदबुद्धि कह लीजिए इसको, हाँ सबसे बढ़िया रहेगा ये वर्ड, मंदबुद्धि। तो गया डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए, परामर्श के लिए। द डॉक्टर एडवाइजेज हिम टू गेट हिज सन इंगेज्ड इन सम बिजनेस, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई आप इसको ना किसी बिजनेस में लगा दो, किसी, है ना, काम में लगा दो, प्रेफरेबली इन पोल्ट्री बिजनेस, खास करके ना पोल्ट्री में। पोल्ट्री मीन्स याद रखिएगा, हम लोग पोल्ट्री फार्म केवल समझ लेते हैं कि मुर्गा मुर्गी, नहीं, जो अंडे के बिजनेस के लिए, है ना, जिस चीज़ का भी को पाला जाए वो सब उसी में आते हैं। केवल मुर्गी ही नहीं, बत्तख भी आ जाएंगे, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग भी आ जाएंगे, ये सब जो भी अंडों के लिए जिसका काम होता है, जिसके अंडे मतलब यूज़फुल है, वो निश्चित रूप से आपको इसी श्रेणी में आ जाएंगे।
तो डॉक्टर ने हो सकता है इसलिए भी कहा होगा कि भाई अंडे का व्यापार जो है सो थोड़ा इजी होता है, वो मूर्ख था तो इसलिए मंदबुद्धि था तो शायद इजी हो। अकॉर्डिंगली नेक्स्ट पैरा है, और अकॉर्डिंगली जॉनसन गेव बेंजी सम हेंस टू कीप, तो वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग जैसा कहा गया वैसे उसने कुछ मुर्गियाँ दे दी रखने के लिए, टू कीप हिम इंगेज्ड इन वर्क, ताकि वो काम में व्यस्त रह सके। बट ही वॉज सो फुलिश, लेकिन वो इतना मूर्ख था दैट ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट हेंस एंड एग्स, कि वो मुर्गियों और अंडों के बारे में कुछ नहीं जानता था। ठीक है, मतलब कि अच्छा मुर्गी है तो अच्छा ये अंडे देगी, कब देगी, कैसे देगी, अंडों का क्या करेंगे, मतलब इस टाइप का स्टोरी पूरी पढ़ेंगे तो लंबी स्टोरी है तो उसका शॉर्ट है, उसमें इस बात की चर्चा की गई, तो एकदम कुछ नहीं जानता था, ये नल था उसके बारे में, कुछ नहीं जानता था। हिज फादर टॉट हिम एवरीथिंग, तो पिताजी उसको बड़े प्यार से, अब मंद बुद्धि को समझाना कितना मुश्किल होता है लेकिन गौर करेंगे वो बहुत समझाया, लास्ट में उसके साथ क्या होता है इसलिए ये पॉइंट याद रखेंगे। हिज फादर टॉट हिम एवरीथिंग, सब कुछ सिखाया, यही नहीं, ही ऑल्सो गॉट हिम अ पासबुक ओपनड इन ए बैंक, और जो पैसा वो कमाता था तो उसको जो है बैंक में पासबुक खुलवा दिया है ना, ताकि बेटे का पैसा वो खुद ना खर्च कर पाए या इधर उधर ना हो जाए। बेंजी फास्ट लर्नड ऑल द ट्रिक्स ऑफ द बिजनेस, उसने सारा जो बिजनेस का ट्रिक है उसको बड़ी फास्ट सीख लिया। ही स्टार्टेड अर्निंग एंड सेविंग मनी बाय सेलिंग एग्स, और तो था मंदबुद्धि लेकिन बिजनेस में जब लगा दिया डॉक्टर के परामर्श के अनुसार तो अपने जो है सो अर्निंग करना मतलब कमाना और बचाना दोनों काम बड़े ही एकदम आराम से शुरू कर दिया। नेक्स्ट पैरा है, व्हेन बेंजी बिकेम 21, जब बेंजी 21 साल का हो गया, यानी जॉनसन किसान का बेटा है 21 साल का हो गया, वही मूर्ख लड़का मंदबुद्धि बालक, हिज फादर हैंडेड ओवर द अमाउंट डिपॉजिटेड विद द बैंक टू बेंजी, तो उन्होंने एकदम ऑनेस्टली देखिए कितनी ईमानदारी पूर्वक, और बेटा कैसा नालायक है जरा देखेंगे, तो वो पैसा उसको दे दिया जो भी बैंक में था। यानी हो सकता है उस समय जैसे अभी हमारे यहाँ एडल्ट होने के लिए 18 ईयर्स माना जाता है, तो उसी प्रकार से वो पहले 21 ईयर्स रहा होगा, उससे पहले नहीं मिलता रहा होगा है ना। अब तो हमारे यहाँ 10 ईयर्स के बाद कोई भी अपना बैंक खाता खोल सकता है और उसमें विड्रॉल भी कर सकता है, डिपॉजिट भी कर सकता है, मे भी पहले का ये सिस्टम होगा। तो बाय द टाइम, यानी उस समय जिस समय उसके पिता ने उसको हैंडओवर किया मनी को, द अमाउंट डिपॉजिटेड विद द बैंक टू बेंजी है ना, सॉरी बेंजीज अकाउंट शोड ए बैलेंस ऑफ 230 pounds, तो 230 पाउंड, यानी मान लीजिए अपने यहाँ का 230 रुपया पाउंड से थोड़ा पाउंड जो है रुपया से बड़ा होता है, लेकिन अब कहेंगे इससे 230 पाउंड कोई ज़्यादा हुआ नहीं हुआ, नहीं नहीं बहुत ज़्यादा हुआ, क्यों, बेंजी परचेज 4 acres ऑफ लैंड, उसने 4 acres जमीन खरीदे उस पैसे से विद दैट मनी फ्रॉम मिस्टर विटमोर है ना, मिस्टर विटमोर से, याद रख सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव के लिए कि भाई किससे वो अपना लैंड परचेज किया, तो मिस्टर विटमोर से। फिर उसने क्या किया उस ज़मीन को क्यों खरीदा, ही एक्सपेंडेड इज पोल्ट्री बिजनेस देयर, तो उसने अपनी पोल्ट्री बिजनेस को वहाँ पे एक्सपेंड किया, विस्तार किया, बढ़ाया और मतलब मुर्गियाँ और घर है ना करके, और इस प्रकार से क्या हुआ, फिर वो ही बिकेम अ रिच मैन ऑफ हिज एरिया विद इन अ फ्यू ईयर्स, वह कुछ ही वर्षों में जो है उस एरिया का अमीर व्यक्ति बन गया। लेटर ही मैरिड फ्लोरेंस, और बाद में उसने फ्लोरेंस से शादी कर ली, ये नाम नेम भी याद रख सकते हैं, पत्नी का नाम फ्लोरेंस, अगेंस्ट हिज पेरेंट्स विल, अपने माता पिता के विल, विल मीन्स इच्छा के विपरीत, क्यों, तक एक तो ये भी रहा होगा शायद अच्छी रही हो ना रही हो, वो कौन थी जरा देखेंगे अगले लाइन में, शी यूज टू वर्क एट दियर फार्म, क्योंकि उसके फार्म पे काम करती थी, यानी काम वाली से, दाई से, नौकरानी से उसने शादी कर ली थी, नेचुरल सी बात है पेरेंट्स अपोज करेंगे ही करेंगे। अब क्या हुआ, फ्लोरेंस डिड नॉट लाइक बेंजीज पेरेंट्स, वो फ्लोरेंस जो थी वो उसके पेरेंट्स को लाइक नहीं करती थी, और इसलिए सो शी स्टार्टेड पॉइजनिंग हिज ईयर्स अगेंस्ट हिज पेरेंट्स, तो क्या किया कि बेंजी को जो है बेंजी के कानों को पॉइजनिंग, पॉइजनिंग हिज ईयर्स, अब पॉइजनिंग हिज ईयर्स मतलब कान में पॉइजन घोलना, तो ये नहीं कि वहाँ चूहे की दवाई ले लो घोल के डाल दो ऐसा वाला पॉइजन है, बल्कि बातों के द्वारा उसका कान भरना, नॉर्मल इसकी हिंदी कहे तो उसके कान भरने लगे माता पिता के खिलाफ, देन देयर, और भाई जब कुछ दिनों तक ऐसे ही कान भरा जाता है तो नेचुरल सी बात है क्या, तो देन देयर केम अ चेंज इन हिज एटीट्यूड, तो उसके एटीट्यूड में एक चेंज आ गया टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के प्रति। एट फर्स्ट ही डायरेक्टेड हिज पेरेंट्स टू शिफ्ट टू अ स्मॉलर रूम ऑफ द हाउस, शुरू में तो उसने क्या किया कि बेंजी ने कहा कि भैया आप किसी छोटे कमरे में चले जाओ, यहाँ रह के क्या करोगे, किच किच होता है, अब चले जाओ पहले है ना। आफ्टर सम टाइम, उसके कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद, ही स्टॉप्ड ज्वाइंट किचन अरेंजमेंट है ना, एंड लेफ्ट हिज पेरेंट्स आइसोलेटेड, क्या हुआ, ज्वाइंट किचन है ना, माता पिता सबका खाना नेचुरल सी बात है एक जगह बनता है, लेकिन उसने धीरे धीरे कहा कि नहीं ये भी बंद, अपना खाना बुढ़े बुढ़िया अपना खुद खाना बनाओ, हम लोग अलग रहेंगे, और इस प्रकार से उसको आइसोलेटेड यानी अलग थलग कर दिया।
आफ्टरवर्ड्स उसके बाद ही फाइनली डायरेक्टेड निर्देशित किया, निर्देश दिया हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को निर्देश दिया टू शिफ्ट फ्रॉम हिज हाउस टू एल्सवेयर कि भाई आप अब घर ही छोड़ दो। लास्ट में तो मतलब ये कहा कि घर ही छोड़ दो, है ना, ये ब्रैकेट में आप लर्न करने की जरूरत नहीं है बट इसको ध्यान में रखेंगे। नॉट ओनली, है ना, नॉट ओनली दिस, केवल यही नहीं बट ही पर्सनली ड्रोव देम अवे, है ना, उसको खुद जो है पर्सनली ड्राइव करके ले गए फ्रॉम दियर होम बाय हिज कार। इतना बड़ा क्या कहे, बेशरम निर्लज्ज आदमी था कि वह जो है वो उनको मतलब खुद अपनी कार से कहीं छोड़ आया, बाहर छोड़ आया, घर से निकाल दिया एक तरह से कहिए तो। इस प्रकार से दस, इस प्रकार द स्टोरी इज ए ट्रू डिस्क्रिप्शन, यह एक यथार्थ चित्रण है ऑफ व्हाट इज हैपनिंग दीज डेज इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, जो हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, जो हो रहा है, व्हाट मीन्स क्या नहीं, जो हो रहा है दीज डेज, इन दिनों, इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, ज़्यादातर परिवारों में कुछ इस तरह की बात हो रही है। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, हम मेरी तरफ से एक राय है कृपया ऐसा ना करें। इस दुनिया में भगवान का जीता जागता रूप माता पिता ही होते हैं, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं उनको निश्चित रूप से, ये कलयुग है, उनको अपने कर्मों का फल भोग करके ही इस दुनिया से जाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे कोई भी जो स्टूडेंट्स हैं वैसा नहीं करेंगे। अभी आपके सामने स्क्रीन पर रहा वर्ड मीनिंग इस चैप्टर का, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। Thanks for watching till last. Have a nice day.